आपको बताते हैं, हल्द्वानी हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क करने कल पुलिस की टीम उनके घर पहुंची और कुर्की की कार्रवाई को शुरू किया गया। आज भी एक्शन हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है, तो आज भी कुर्की की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब्दुल मलिक जो कि मोस्ट वांटेड है, उसके साथ ही 9 और हैं जो कि इस समय फरार है, उनकी भी संपत्ति की कुर्की की जाएगी, जो जानकारी मिल रही है। इन फरार 9 आरोपियों में अब्दुल मलिक का बेटा भी है अब्दुल मोइत, और पार्षद शकील अंसारी का नाम भी इन फरार लोगों की लिस्ट में शामिल है। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि अब्दुल मलिक अरबों की संपत्ति का मालिक है। मलिक कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और खनन का भी अच्छा खासा बिजनेस करता है और मोस्ट वांटेड है हल्द्वानी हिंसा का, मास्टरमाइंड हल्द्वानी हिंसा का, जो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर जरूर है, लेकिन उसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी तो हो ही रही है और अब उसकी संपत्ति भी कुर्क होनी शुरू हो चुकी है। हल्द्वानी के बनबूलपुरा में कर्फ्यू में आज बड़ी राहत दी गई है। सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। लाइन नंबर किदवई नगर गफूर बस्ती, ये वो इलाके हैं जहां पर अब राहत दी गई है। इसके अलावा मलिक का बगीचा, इंदिरा नगर, शनि बाजार रोड, यहां पर कर्फ्यू में ढील रहेगी। गोजा जाली, रेलवे बाजार, FCI में सुबह 6 से रात के 8 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहने वाली है। तो अब धीरे धीरे करके हर जगह पर आप देखेंगे कर्फ्यू में ढील देनी शुरू हो गई है। कर्फ्यू वाले इलाकों में मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है। बता दें आपको, 8 फरवरी के बवाल के बाद बनबूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया था, जो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी जानकारी हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। बनभूलपुरा हिंसाकांड के 9 फरार आरोपी मोस्ट वांटेड घोषित कर दिए गए हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। उसके अलावा अब 9 और आरोपी हैं जिनके पोस्टर जारी किए गए हैं, और इसमें अब्दुल मलिक का बेटा मोइत भी है और ये भी वॉन्टेड लिस्ट में शामिल है। 9 फरार आरोपियों की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट जो है वो पोस्टर के माध्यम से अब लोगों तक दिखाई जा रही है, जो कि वांटेड हैं। ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनके। 8 फरवरी को जो हिंसा भड़की थी हल्द्वानी में, ये उसके मुख्य चेहरे हैं हिंसा के। इन सभी चेहरों ने भूमिका निभाई है, पुलिस की पकड़ से अभी बाहर हैं, जिनके लिए पोस्टर चस्पा करके इनकी तलाश की जा रही है। तो उत्तरकाशी में मौरी के ग्राम सभा सिरगा में मकान में भीषण आग लगी है। इस पर आपको बताएं कि बीती रात आग लगने से 2 परिवारों को बड़ा नुकसान हुआ। भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, समय रहते लोग घर से बाहर निकल गए, लेकिन जितना सामान घर के अंदर था वो जलकर स्वाहा हो गया है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहेगा आज, बैठक आज हो रही है इस पर, और 18 फरवरी तक ये राष्ट्रीय अधिवेशन चलना है, जिस पर दिल्ली के भारत मंडपम में तैयारियां पूरी की गई हैं। आयोजित होना है यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन, शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी आगामी रणनीति बनाएगी। पार्टी के सभी मोर्चों पर पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश के 250 से ज्यादा नेता इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। संगठन से जुड़े कार्यक्रम की रिपोर्ट से लेकर आगामी कार्यक्रमों पर रणनीति तय की जाएगी। उत्तराखंड में अब स्कूली बच्चों के बैग का बोझ कम होगा। हम आपको बता देते हैं कि अप्रैल से शुरू हो रहे नए सेशन से स्टूडेंट्स के लिए बैग फ्री डे से लेकर बैग वेट कम करने पर एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। बैग फ्री डे अब सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूल में शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने नए सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बैग फ्री डे करने का फैसला किया है। इस दिन स्टूडेंट्स फ्री माइंड से स्कूल आएंगे और उनको सामाजिक गतिविधियों से लेकर स्वरोजगार कर रहे लोगों से भी मिलवाया जाएगा। वहीं इसके साथ शिक्षा विभाग का प्रयास है कि 6 से 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए 4 किलो
तो वहीं 9 से 12 क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 3 से 5 किलो तक रखा जाए। हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, हम तो उनसे भी अनुरोध करेंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का बोझ जो है सरकारी स्कूल के बच्चों के बोझ से अधिक है। तो अब शुरुआत से ही जो है छोटे बच्चे हैं जहां उनकी हड्डियां डेवलप होनी चाहिए वहां वो बोझ तले दब जाएंगे तो भारी स्वास्थ्य का जो है उनको सामना करना पड़ेगा बाद में, इसका असर बाद में पड़ता है। तो सभी प्राइवेट स्कूलों से भी हमारा अनुरोध है कि वो जो बच्चों का बस्ते का बोझ है उसको कम से कम करें। अभिभावक भी मानते हैं कि प्राइमरी क्लास से ही बच्चों पर सिलेबस का बोझ है, इसीलिए हर क्लास के हिसाब से स्कूल बैग का वजन भी होना चाहिए। फ्री डे होना चाहिए बच्चों के लिए, तो हमारे लिए भी वो है मैम, बच्चों के लिए भी, क्योंकि कई चीजें भी कह रहे हैं कि इतने हैवी बैग है, बचपन से इतना बोझ उन पे डाला जा रहा है। वो तो है मैम, अब तो और आगे जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जा रहे हैं मैम और ज्यादा हैवी होते जा रहा है बैग ना, तो बैग फ्री डे होना चाहिए मैम। फ्री होना भी चाहिए, एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और फिर क्या सीनियर क्लासेस जैसे बढ़ रही है ना, तो क्या टीचर्स टाइम टेबल बनाती है, बट क्या होता है हिंदी है लिटरेचर लैंग्वेज दोनों होता है, तो मैम कहते हैं आप दोनों बुक्स कैरी कीजिए, कभी मिस वो हो जाता है, इंग्लिश है दोनों कैरी कीजिए। तो टाइम टेबल के बावजूद भी क्या होता है कि बच्चों को सारा कैरी करना पड़ता है कि कौन टीचर कौन सा कराएगी यही नहीं पता होता है, डाउटफुल रहते कि मैम ने क्या पता वो निकाल दिया हम क्या करेंगे, ये बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अब मतलब टाइम टेबल के बावजूद ही बैग हैवी ही रहता है चाहे कुछ भी कर लो आप, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो होना चाहिए विदाउट बैग एक दिन तो होना ही चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि नया सेशन नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट करने की तैयारी में लगा है ताकि छात्रों के स्कूल बैग का वजन कम हो सके और बैग फ्री डे में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से सामाजिक दायित्वों का भी एहसास हो सके। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। तो देखिए एजुकेशन सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए भले ही लाख दावे हों लेकिन ये दावे हकीकत में होते हुए कहीं ना कहीं नजर नहीं आते हैं। हालात ये हैं कि पिथौरागढ़ में बीते 3 सालों में कई स्कूल बंद हो गए हैं। पहाड़ों में स्कूली शिक्षा की बदहाली किसी से छिपी नहीं है, कहीं टीचर्स नहीं होने से छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है तो कहीं छात्रों की कमी से स्कूलों में ताला लटक गया है। पिथौरागढ़ में बीते 3 सालों में 158 प्राइमरी और 25 उच्च प्राथमिक स्कूल बंद हो गए हैं। कहने को तो ये स्कूल छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हुए, लेकिन छात्रों की शून्य होती संख्या भी सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही है। जिले में 183 स्कूलों के बंद होने के बाद अभी भी कई स्कूलों पर बंदी के संकट मंडरा रहे हैं। विगत 3 वर्षों में पिथौरागढ़ जनपद में 158 प्राथमिक विद्यालय और 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक धारचूला मुनस्यारी के विकास खंडों के विद्यालय हैं। असल में यहाँ 120 ऐसे स्कूल हैं जो सिंगल टीचर के हवाले हैं, यही नहीं सिंगल स्टूडेंट्स वाले 445 प्राथमिक और 20 जूनियर हाई स्कूल हैं। इसके अलावा 28 प्राथमिक और 2 जूनियर हाई स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं। जानकारों की माने तो शून्य छात्र संख्या की सबसे बड़ी वजह टीचर्स की कमी है और टीचर्स की कमी के कारण अभिभावक स्टूडेंट्स को उन स्कूलों में भेजने को मजबूर है जहाँ सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मौजूद हैं। व्यापक हमारे शिक्षकों की भर्ती की जाए, अगर शिक्षकों की भर्ती प्रॉपर विद्यालय में हो जाए तो गार्जियन भी जो कहता है कि एक शिक्षक है हम नहीं भेजते हैं, 2 शिक्षक हैं, बच्चे कहीं कहीं पर तो 80-90-100 भी हैं हमारे विद्यालयों में। बेहतर शिक्षा की चाह में बॉर्डर जिले में पलायन भी बढ़ा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट माने तो यहाँ 41% पलायन हो चुका है। 2019 में पिथौरागढ़ में 1600 गांव आबाद थे, लेकिन बीते 4 सालों में ये आंकड़ा 1542 पर आ गया। ऐसे में तय है कि अगर स्कूली एजुकेशन का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पलायन की रफ्तार बढ़ेगी और स्कूलों में ताले लटकने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तरकाशी के गंगानी में इन दिनों भक्तों का तांता लगा हुआ है। कई श्रद्धालु कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस जगह की अपनी पौराणिक मान्यता है, कहा जाता है कि यमदग्नि ऋषि और माता रेणुका के तप से यहाँ गंगानी में माँ गंगा की जलधारा प्रकट हुई थी, जिस कारण इस जगह का अपना ही एक धार्मिक महत्व है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, कुंड के दर्शन करते हैं।
यथावत भी है, बिल्कुल मंदिर से सटी हुई जो शिला है वो आज भी दिखती है, उस शिला के रूप में यहाँ पर भागीरथी गंगा का जल पहुँचा और उसके बाद यमदग्नि ऋषि ने यहाँ का जो जल है उससे जो है भगवान शिव का अभिषेक किया था।